मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे और एक महिला शामिल हैं। वहीं 3 घायलों का इलाज फिलहाल छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि घटना छिंदवाड़ा के रिंग रोड पर हुई है। घटना गुरुवार रात की बताया जा रहा है कि लगभग रात के 8 बजे छिंदवाड़ा रिंग रोड पर नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ आ रही स्विफ्ट कार को तेज रफ्तार आइसर ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद जो कार थी वो सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में 8 लोग सवार थे। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और उसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि हादसे में 4 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई है, जबकि घटनास्थल पर ही इन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग जो कि घायल हुए हैं उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि चारों बच्चों की उम्र 15 से 18 वर्ष की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। देखिए, अभी तक हमें जो जानकारी थी, घटना लगभग 7:45 की है और इसमें एक आयसर गाड़ी है, MP 48 मुलताई की गाड़ी है और आयसर गाड़ी है, और एक स्विफ्ट कार, गाड़ी का नंबर है MS40KA7883। ये पीछे से इस गाड़ी को टक्कर मारी गई है आयसर के द्वारा, और गाड़ी रोड से निकल के और बाजू की एक खद्दी जिसमें पानी बह रहा था उस पर जाके गाड़ी रुकी है। पीछे से टक्कर है, जिसमें से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, स्पॉट पे हमें 3, 2, 5 मृतक मिले थे और एक की मृत्यु अस्पताल में हुई है। इसका अभी तक 6 मृत्यु मिली है। जो 2 लोग हैं उनका उपचार चल रहा है और बाकी अभी थाना मोखेड़ चुकी आता है और सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए थे। एम्बुलेंस भी समय पर पहुंच गई थी, पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो घटना में जो क्षति है मृतकों की वो उसको कम नहीं किया जा सका। अभी कार्रवाई जारी है और उपचार भी सभी लोग उपचार रहे थे, 2 लोग। इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जबकि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। MP तक भी आपसे अपील करेगा कि जब भी आप सड़क पर निकले कृपया रफ्तार का ध्यान रखें। ये रिपोर्ट हमें भेजी है पवन शर्मा ने छिंदवाड़ा से। मैं हूँ आकांक्षा ठाकुर और आप देख रहे हैं MP तक।